नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात करेंगे मई 2022 की। जी हां, हम जानेंगे मासिक राशिफल मई 2022 का और जानेंगे कि आपकी राशि के लिए, यानी कि आप जिस राशि में जन्मे हैं, आज जो आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि है, उसके लिए आने वाला मई का महीना साल 2022 में कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं आपकी वृश्चिक राशि की। जानते हैं सबसे पहले कैसा रहेगा आपका करियर मई के दौरान। करियर के लिए समय सामान्य रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में दशम भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में राहु के साथ होने से कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां रहेंगी। बनते बनते कामों में कोई अड़चन या रुकावट आ सकती है। साथ ही दशम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने से सहकर्मियों के साथ तनाव होगा और नतीजन मानसिक तनाव और परेशानी बढ़ सकती है। मान सम्मान पर दाग लगने जैसी स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों के लिए दौड़ भाग बनी रहेगी। ऐसे जातकों के लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य के सप्तम भाव में गोचर करने से स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। कार्य क्षेत्र में संबंध बेहतर होंगे और आपको काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस दौरान आपको हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा। कुछ नई और अलग तकनीक और योजनाओं के सहारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस दौरान व्यापारिक साझेदार से उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि संबंध खराब ना हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शिक्षा की बात करें तो उसके लिए शुरुआत महीने की अच्छी रहेगी। पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति होने से माह के पूर्वार्ध में शिक्षा जगत से जुड़े जातकों की परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। परिवार के किसी व्यक्ति का सहयोग अथवा मार्गदर्शन आवश्यक होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को महीने की शुरुआत में कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए धन की व्यवस्था हो जाने की संभावना है। विदेश जाने के लिए दूसरी कठिनाइयां भी दूर होंगी और रास्ता सुगम होगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम में जाने से और मंगल के पंचम में आने से उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को सलाह है कि विषय और रणनीति को लेकर मन की दुविधा दूर करें और लक्ष्य को ध्यान से नहीं भटकने दें। दोस्तों के साथ समय की ज़्यादा बर्बादी ना करें क्योंकि आप पर भारी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसके लिए अच्छा परिणाम देने वाला समय रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में शुक्र के साथ होने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली दिखेगी। घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा प्यार नजर आएगा। घर के लोग मिलकर किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। इस वक्त परिवार में शहनाई बजने के योग दिखेंगे। यदि परिवार में काफ़ी लंबे समय से किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था तो अब ये चिंता दूर हो सकती है। इस वक्त शादी के लिए किसी अच्छे रिश्ते का आना अपेक्षित है। शनि ग्रह की प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार होगा। घर में कोई शुभ काम या पूजा पाठ भी खुशी का कारण बन सकती है। भाई बहनों से अच्छे संबंध दिखेंगे। बाहर के लोगों की चुगलखोरी से बचें। ऐसे लोग परिवार में दरार डाल सकते हैं। कुछ करीबी रिश्तेदार भी आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद सतर्क रहें और दूसरे सदस्यों को भी आगाह करें। प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति का अपनी राशि में होना, साथ में शुक्र की उपस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अपने प्रियतम के साथ अत्यधिक विश्वास के साथ बातचीत कर रहेंगे। पहले से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे। एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यहाँ तक कि विवाह की योजना भी बनाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखने और परिजनों की रजामंदी लेने की हिम्मत भी दिखाएंगे। संभावना है कि आपके प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। इस दौरान आपका स्वयं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। रिश्ते को लेकर ज़्यादा खुश होने की बजाय प्रियतम के साथ अपनी बातें साझा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम में बुध के साथ जाने से वैवाहिक लोगों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच गलत फहमियाँ हो सकती हैं और समस्याएं आ सकती हैं। बाहरी लोगों की चालबाजी से सावधान रहें। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए समय मध्यम रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के पंचम में होने से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। व्यापारियों को लाभ की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। नए बिजनेस में प्रॉफिट होगा और आप अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के सुलझने से धन अर्जित होने का योग है। माह के उत्तरार्ध में बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको फायदा होगा। बचत को लेकर जीवन में काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। शेयर मार्केट में जोश के साथ अगर किए गए निवेश नुकसान दे सकता है, इसलिए होगा कि बैंक या सरकारी योजनाओं में सीमित अवधि के लिए निवेश करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वास्थ्य के लिए समय मध्यम रहेगा। छठे भाव में सूर्य और राहु की युति से छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इस दौरान बाहरी खान पान पर लगाम लगाएं।
तली भुनी चीज़ें और मसालेदार भोजन नुकसान का कारण बन सकता है। बासी भोजन से भी परहेज करें। खाने में मोटा अनाज, हरी सब्जियां और फल को शामिल करें। पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल के अपने स्थान से 12वें में जाने से रक्त जनित समस्याएं, फोड़े फुंसी या चोट लग सकती है। सर्जरी ना हो इसका ध्यान रखें। किसी लंबी यात्राओं से सावधान रहें। यात्रा के दौरान अपना खान पान और अपने सामान का ध्यान रखें और वाहन चलाते वक्त सतर्कता बरतें और भीड़ भाड़ से थोड़ा दूरी रखें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। हल्दी की माला भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। प्रतिदिन शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन बालकों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। तो दोस्तों, ये था आपका मई 2022 का मासिक राशिफल। आशा करता हूँ इस राशिफल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की। आप सभी के लिए मई का महीना शुभ और मंगलदायक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.